क्लास सिक्स स्टूडेंट्स ट्वेंटी वन ए चैप्टर जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको हम कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताया था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद आज हम लोग देखेंगे फाइन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर के पैरामीटर निकालना है ईच ऑफ साइड मेजर आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर का साइड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं बाकी आप करेंगे खुद ट्राई 3.8 सेंटीमीटर ये जो है स्क्वायर का साइड है अब वी नो दैट साइड ऑफ स्क्वायर आर ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल 3.8 3.8 3.8 हर एक साइड बराबर होगा पैरामीटर <coughs> निकालने के लिए कहा था पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास फोर इंटू साइट पैरामीटर इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री पॉइंट एट फोर एट जा थर्टी टू फोर टू फोर थ्री ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन पॉइंट टू सेंटीमीटर ठीक इस तरह से आप लोग पैरामीटर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखिए कॉस्ट ऑफ पुटिंग एंड फेंसिंग अराउंड स्क्वायर फील्ड है आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है उसको जो है पूरा ऑलराउंड फेंसिंग लगाया पर मीटर पैंतीस रुपए के हिसाब से फेंसिंग लगाया और उससे कितना टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू फोर फोर एट कोस्ट ऑफ पर मीटर इज्क्ल टू रूपीज थर्टी फाइव पैंतीस तो देअर फोर पैरामीटर कितना होता है वो हम देखेंगे पैरामीटर इक्वल टू फोर फोर एट जीरो टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय कोस्ट ऑफ पर पीटर 35 इनको डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ देखिए हम लोगों ने टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट किया था 35 128 44 80 128 मीटर जो है आपके पास पेरिमीटर आता है तो उसने हमसे साइट फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड हर साइड का जो है लेंथ निकालने के लिए कहा था देयर फॉर साइड इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय फोर रेक्टेंगल का साइड क्या होता है रेक्टेंगल का साइड निकालने का फॉर्मूला सॉरी स्क्वायर का साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास पैरामीटर डिवाइडेड बाय फोर तो पैरामीटर आपके पास क्या है वन हंड्रेड ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय फोर फोर टू जेड फोर थ्री जे ट्वेल्व फोर टू जे एट तो साइड इज इक्वल टू आपके पास थर्टी टू मीटर आता है हर एक साइड आपके पास थर्टी टू मीटर आएगा ठीक क्वेश्चन नंबर एट देखिए हमारे पास इसने हमसे क्या कहा क्वेश्चन नंबर एट में एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है जिसका हर एक साइड जो है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मीटर का है और इसी के सेम एज इसी के साइड में एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है ठीक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका जो साइड है फोर रेशियो थ्री के रेशो में फोर इस टू थ्री के रेशियो में ठीक तो इसने हमसे क्या कहा ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके डायमेंशन आप लोग जो है निकालेंगे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर फील्ड का इसने हर एक साइड हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग इसका एरिया या पैरामीटर कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं पैरामीटर इक्वल टू फोर इंटू साइट पैरामीटर ऑफ इक्वल टू फोर इंटू साइट हमारे पास फोर इंटू ट्वेंटी वन हमने किया तो पैरामीटर आपके पास क्या है फोर वन झा फोर फोर टू झा एट एटी फोर मीटर आपके पास पैरामीटर आता है इसने कहा जो आपके पास स्क्वायर फील्ड है इसी के बराबर का आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड भी है तो रेक्टेंगुलर फील्ड का भी लेट देंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील भी फोर एक्स एंड ब्रेथ इक्वल टू थ्री एक्स हम लोगों ने ये चीज रख लिया अब यहां पे पैरामीटर इक्वल टू टू लेंथ प्लस ब्रेथ आता है आपके पास पैरामीटर हम लोगों ने निकाल लिया यहां पे एटी फोर इज इक्वल टू टू ले आपके पास फोर एक्स है ब्रेथ आपके पास थ्री एक्स है एटी फोर इज इक्वल टू टू ब्रैकेट को आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए फोर फाइव सिक्स सेवन एक्स एटी फोर इज इक्वल टू टू सेवन जोटीन एक्स एक्स का हमें वैल्यू निकालना है एटी फोर डिवाइडेड बाई फोरटीन इज इक्वल टू एक्स तो यहां देखिए हम लोगों ने इसको कैंसिल किया एक्स का वैल्यू आपके पास आता है सिक्स तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू क्या है लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास है फोर एक्स यानी फोर इंटू एक्स का वैल्यू सिक्स सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर मीटर आपके पास आता है और ब्रेथ आपके पास क्या था थ्री एक्स यानी थ्री इंटू सिक्स सिक्स थ्री सा एटीन मीटर इस हिसाब से जो है आपके पास रेक्टेंगल का लेंथ भी दोनों निकल गया इस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन नंबर एट को करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए पेराीटर निकालना है हमें यहां पर ट्रेंगल के साइड्स दिए हुए हैं ट्रेंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं ट्रेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेंगल का होता है सम ऑफ ऑल द साइड सभी साइड को सम करना है प्लस करना है क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोग सभी साइड को यहाँ पे देखिए जैसे कि ट्रेंगल के साइड दिए हुए हैं एक साइड दो साइड तीन साइड सभी साइड को सम करना है पैरामीटर निकल जाएगा इक्वेटेरियल ट्रेंगल का नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर इक्वेटेरियल का हर एक साइड बराबर होता है तो हम लोग थ्री इंटू साइड थ्री इंटू साइड करेंगे निकल जाएगा इसका इसका का भी देखिए आपके पास क्या है एट पॉइंट फाइव तो हर एक साइड को आप लोग क्या करेंगे 8.5 यानी दो साइड 8.5 बराबर होगा दो साइड 8.5 का होगा और एक साइड 7 का होगा थर्ड साइड इज डिफरेंट तो 8.5 8.5 प्लस 7 फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पेंटागन का पेंटागन हमारे पास फाइव साइड वाले होते हैं तो हमारे पास आठ पेंटागन के हर एक साइड बराबर होता है फाइव इंटू एट फाइव उस हिसाब से आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन तक यह चैप्टर जो है आप लोग कंप्लीट करेंगे